वजीर आजम के सिसमा बाबत खास सलाहकार फरदोज आशिकवान चयो आए त तहरीक इंसाफ जी हिमायत याफ्ता मौजम अब्बासी जी कामयाबी जाली अकाउंट पार्टी के खिलाफ बगावत जो ऐलान है। लाड़काने जी नंढी चूंड में पीटीआई जे हिमायती उम्मीदवार जी कामयाबी का पोए ट्वीट कंदे फरदोज आशिकवान चयो त बिलावल अवां जे पेंजे घर में अवाम अवां के रद्द करे छड्यो आए। उम्मीद आए अवां पेंजे जहर सरप्रस्ती ए वजीर आला जी जहर निगरानी चूंडन के जाली न दीदो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विफाकी वजीर फवाद चौधरी सरकारी नौकरियों बाबत दिनल पेंजे बयान ते कायम आए। कुछ दिन अग इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब दौरान फवाद चौधरी चयो हो त असा उन गाल ते जोर दई रहा हूं त हुकूमत नौकरियों दई पर मानन जे ज़हनन में उहा गाल विझण जरूरी आए त नौकरियों जे लाए हुकूमत तरफ नथो दिसी सकजे। एहतिसाब अदालत अगूणे वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी की दरख्वास्त से फैसलो महफूज कर वरतो है जैमें सहूलतू फराम करण जे दरख्वास्त कई वही हुई। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर मामले की बुधणी कई। अगूणे वजीर आजम के तरफा सादिया अब्बासी ए बैरिस्टर जफरुल्ला खान अदालत के आडो पेश थे। अडेला जेल के अख्तियार शाहिद खान अब्बासी के तबी रिपोर्ट एहतिसाब अदालत में जमा कराई। जेल अख्तियार अदालत के आगाह किया तो अगूणे वजीर आजम जो तबी मुआयनो कराया वो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौलाना फजल रहमान जो धणो रोकण बाबत दरख्वास्त रद्द कर छी। मौलाना फजल रहमान के धणे के रोकण बाबत दरख्वास्त से बुधणी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौलाना फजल रहमान जो धणो रोकण बाबत दरख्वास्तू अकलाए छी। दरख्वास्त डींदड़ शहरी आसिफ महमूद ए उनो वकील अदालत में पेश न थे जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दरख्वास्त की पैरवी न करण से दरख्वास्त रद्द कर छी। नवाज लीग मौलाना फजल रहमान की आज़ादी मार्च में शिरकत जो ऐलान कर छो। मौलाना फजल रहमान चयो आए तो हुकूमत इस्तीफा दे उन गालू थी सकन थी। जे यू आई फे सरबराह मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ के मांझांदे वाले दावत मॉडल टाउन पहुतो जिथे शहबाज शरीफ के घर में मुलाकात भी थी। उन मौके से नवाज लीग अगवान मरियम औरंगजेब एहसन इकबाल रना तनवीर ए जे यू आई फे तरफा अक्रम दुरानी सुधो बया अगवान मौजूद हुआ। वजीर आजम के पोलियो के रोकथाम बाबत सलाहकार बाबर बिन अता इस्तीफा दई छी है। ट्विटर के जारी कल बयान में बाबर बिन अता बुधायो आए तो मां जाती सबबन के करे इस्तीफा दई रहयो आया। इन चयो तो पोलियो बाबत सलाहकार होजन दौरान मुखे केतरा ही मानन सा गड कम करण जो मौको मिलो ए पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के घट अरसे में बेहतरीन नतीजा देने वालों प्रोग्राम बनायो। वारा भरसा नौजवान बिजली जो करंट लगन सबब फौत थी वो। गोठ मोहम्मद बख्श हाजिम छुट्टो वासी 28 वर्ष जो नौजवान अवेसोड घर की बिजली ठाईदे करंट लगन सबब शदीद जख्मी थी पियो। खेस वारसन वारा तलका अस्पताल पहुंचाया जिथे डॉक्टर पारा नौजवान की फौत थन की तस्दीक कई वही। जरूरी कार्रवाई बाद लाश वारसन लाया वो। लाश गोठ पहुंचने नौजवान के घर में कोहराम मची। दरिया खान मरी भरसा गोठ दरिया खान चन्ना वट रेलवे पटड़ी क्रॉस कंदे लाहौर का कराची वेंदड़ रहमान बाबा एक्सप्रेस जो टक्कर लगन सबब पंज वन जो मासूम निंगरी नायला थी यूसुफ चन्नो मथे में धक लगन सबब मौके ते फौत थी वही। रेलवे पुलिस वाके वारी हंद पहुंची जरूरी कार्रवाई बाद मासूम निंगरी जो लाश वारसन हवाले कयो। निंगरी जो लाश घर पहुंचने ते कोहराम मची। चंडे गुलाम हैदर भरसा सुमरा फार्म बस स्टॉप वट हैदराबाद बदीन रोड से चिंची रक्षा ए गदे गाड़ी में टक्कर थी पियो। नतीजे में चिंची में सवार 55 जो शेवरान कुली थड़े ते फौत थी वो। एक ही खानदान जा बहौरतू कशु जमुना कविता ए कृष्ण लौंग कुली जख्मी थी पा। जख्मीन ए फौतिन जे लाश के टंडे गुलाम हैदर अस्पताल आंदे वो। सिंध रेजर्स के तर्जुमान काठोड़ वाक्य के हवाले से सोशल मीडिया से हलंदड़ खबरन के बेबुनियाद करार दीदे चयो आए तो मखसूस गुरु जा मानू मुल्की इदारन के बदनाम ए रेंजर्स के वाक्य में मुलविस करार देने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन अग काठोड़ भरसा मोटरवे से ड्राइवर्स
जे एहतजाज दौरान FW जे अमले मुजाहिरन में चकरियूं थियूं जंहिं खां पोइ फायरिंग जे नतीजे में टे ड्राइवर मारिजी विया हुआ। वाकिए खां पोइ छिकताण वारी सूरताल रही ऐं ड्राइवर जे धरणे सबबु केतिरा ई कलाकनि ताईं कराची हैदराबाद रस्तो बंदि रहियो। रेंजर तर्जुमान बयानु जारी कंदे चयो आहे त काठोड़ वाकिए जे हवाले सां सोशल मीडिया हलायल ख़बरूं तकरारी ऐं हक़ीक़तनि जी उबतड़ि आहे।